हेलो फ्रेंड्स, अर्चना ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी सी गोभी की सब्जी। मैंने गोभी को अच्छे से काट लिया है, पानी को गर्म करके और उसमें गैस का फ्लेम तेज करके और उसमें सारी गोभी को डाल दिया है। डालने के बाद गोभी को अच्छे से पानी में मिक्स कर दिया। मिक्स करके एक चम्मच नमक डालकर और गोभी को 4 से 5 मिनट तक उबाल लिया। यह सब्जी बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनके तैयार होती है। यह सब्जी बिल्कुल ही मछली जैसा टेस्ट आता है। और मैंने सारे गोभी को छान लिया। छानने के बाद सरसों तेल गर्म करके और उसमें गोभी को अच्छे से लाल करके भून लिया। गोभी को ध्यान से भूने क्योंकि हमारा गोभी उबाला हुआ है, इसलिए गोभी टूटने का डर रहता है। इसलिए अच्छे से आराम आराम से गोभी को भूने, ज़्यादा पलटे ना। सरसों का तड़का डाल दिया। जब हमारा तड़का लाल हो गया उसके बाद मैंने सरसों तेल डालकर और सरसों और लहसुन का ग्रेवी बनाकर मसाला मैंने तेल में डाल दिया। डालने के बाद हल्दी, लाल मिर्ची, नमक सभी को डालकर और मसाले को अच्छे से मिक्स कर दिया। थोड़ा पानी भी डाल दिया ताकि हमारा मसाला न जले। और अच्छे से सभी मसालों को मैंने गैस का फ्लेम तेज करके ही अच्छे से भून लिया। और जब मसाला में हल्का सा तेल छोड़ दिया, हमारा मसाला आधा भून गया, तब मैंने एक टमाटर को काट कर और मसाले में डाल दिया। और मसाले के साथ मैंने टमाटर को अच्छे से मिक्स करके और टमाटर को मसाले में ही मैश कर दिया। उससे हमारा सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया बन के आता है। जब हमारा मसाला अच्छे से भून गया तब मैंने अपने अनुसार सब्जी में पानी डालकर ग्रेवी बना लिया। आप अपने अनुसार मसाले में पानी डालकर ग्रेवी बनाएं। जब हमारे मसाले में एक उबाल आ गया उसके बाद मैंने गोभी को डालकर और अच्छे से सब्जी को ढककर थोड़ी देर पका लिया। जब हमारा सब्जी थोड़ी देर पक गया तब मैंने उसमें धनिया पत्ती को डालकर और फिर से गैस का फ्लेम कम करके और सब्जी को अच्छे से जब तक ना पक जाए तब तक मैंने सब्जी को गैस का फ्लेम कम करके ही अच्छे से पका लिया। अब हमारा सब्जी बनके हो गया है तैयार। आप एक बार बना करके ज़रूर ट्राई करिएगा। बाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।